तो जो तुम पाठ सुनना नहीं रखाया कि बी कोल बह के सुनो बाणी काम नबेड़ लो बाकी काम अपने पहला नबेड़ लो दो दिन पाठ उदो रखाओ जो सब तो सौखा काम सहज पाठ। एक सुझाव मेरा मनना ना मनना तुहाडी अपनी मर्जी, कोशिश करो जिन्हां पुत्तां धीआं दे आनंद कारज आ जिवें आपां अपने बच्चों दीआं गल्लां मानदे आ ना उन्हां नूं एक गल मनाओ पुत जिद्दन तेरा आनंद कारज होवे अपने आनंद कारज दा सहज पाठ खुद आप करी। दो महीने लग जाण चार महीने लग जाण पुत अपने आनंद कारज दा सहज पाठ खुद आप कर, भावे एक अंक रोज पढ़ दो अंक रोज पढ़। जे नहीं वो बच्चे कर सकते तुसी किसे भाई साहब नूं कहो कि साडे घर आण के गुरबाणी पढ़ो असी कोल बह के सुणांगे। जदों असी क्योंकि बिन खाए बूझे नहीं भूख जदों तक अपना आपां खुद खावांगे नहीं साडी भूख किवें मिटेगी। जदों तक असी खुद सुणांगे नहीं समझांगे नहीं साडा मन बुराइयां किदां छड्डेगा बुरे विचार किदां छड्डेगा। तो पातशाह जी इत्थे समझाउंदे ने राजा मंगै दित्ते गंढ पाए भुखिया गंढ पवै जां खाए कालां गंढ नदियां मीह झोड़। जदों काल पै जांदे काल भी दो किस्म दे हुंदे ने, कुछ काल ऐसे ने जिहड़े मीह ज्यादा पैण नाल पैंदे ने। तुसीं वेख्या ना कई वारी ज्यादा वर्खा हो जाए तां वी काल पै जांदा फसलां मर जांदियां ने फसलां बर्बाद हो जांदियां ने काल पै जांदा है मुड़ के फसलां हुंदियां नहीं। नाले एक गल चेता रखियो जिहड़ी फसल पानी तो बिना सुकेगी पानी दे दोगे हरी हो जाएगी पर जिन्हों मार पानी की पवे ना वह हरी नहीं दोबारा हो सकती। तत्ती तोए ना पलवे जे जल डुबी दे जी सड़ी हुई फसल है ना जी जी पानी जी डुब गई आदे हरी होने के चांस नहीं है। जी पानी तो बिना तुम पानी दे दोगे फिर सिर चुक आना उन्हें सवेर तक पर जो मार ही पानी की वजी आ। काल भी दो किस्म के आ, एक काल आ जदों वर्खा ना हो ते काल पै गया, एक काल आ जिहड़ा वर्खा ज्यादा होण करके मीह ज्यादा पै गए हाड़ आ गया फसलां बर्बाद हो गई घर ढह गए पशु रुड़ गए काल पै गया। फिर एक इलाका दूजे इलाके की मदद करता है। तो हजूर समझाते ने कालां गंढ इत्थे एग्जाम्पल दिती है जिहड़े मीह ना पैण करके काल पैंदे ने वर्खा ना होण करके काल पैंदे ने कालां गंढ नदियां मीह झोल। काल नूं गंढ कदों पैंदी जाने कि काल कदों मुकदे आ जदों वर्खा हुंदी आ ते नदियां नालियां च पानी आउंदा वा ओह पानी फिर पशु पींदे आ ओह पानी फिर फसलां नूं दित्ता जांदा वा फसलां हरियां भरियां हो जांदियां ने ते जिहड़ा समाज काल तों पीड़ित हुंदा वा ओह समाज फिर अपने पैरां सिर खड़ा हो जांदा। कालां गंढ नदियां मीह झोल ते गंढ प्रीती मिठे बोल। संसार ते भी जिहड़ा एक दूजे नाता जुड़दा ना वह मिठे बोलां नाल जुड़दा। साध संगत जी बंदे को बहुत पैसा होवे पर जे उहदी बोल बाणी चंगी नहीं मिठा बोलदा नहीं किसे नाल परिवार के जी भी कई वारी मूँह नहीं लाउंदे भी इहदी भाषा चंगी नहीं इहनूं बोलण की तमीज़ नहीं पता नहीं भी किहड़ा शब्द किहड़े वक्त किहदे नाल बोलना है। समाज में गंढ प्रीति मिठे बोल हैगी है जुबान मास का टुकड़ा ही आ पर पाशाह ने बाणी च पता की शब्द वरते ने बाबा बोली है पत्त होए हे बाबा वह शब्द बोलीए जिहदे नाल मनुख की पत्त होवे इज्जत होवे उत्तम से दर उत्तम कही है नीच करम बह रोए नानक फिकै बोले तन मन फिका होए। तो सतगुरु महाराज कहिंदे मास जुबान का यह जिहड़ी जुबान एक मास का टुकड़ा वा हुण इहदे नाल बोलना है ते इहदे नाल शब्द बोल चंगे चंगे विचार बोल तेरा आंढ गुआंढ समाज तेरी रिस्पैक्ट होवे गंढ प्रीति मिठे बोल मिठिया बोलों नाल रिश्तेदारी नाल भैन भरावां नाल साख संबंधियों नाल दोस्तों मित्रों नाल गंढ पैंदी है गंढ प्रीति मिठे बोल। तो पाशक दे बेदां गंढ बोलिया सच कोई ध्यान नाल सुनियो साध संगत बेदां गंढ बोलिया सच कोई धार्मिक ग्रंथां नाल भी साडी गंढ उदों ही पैंदी आ जदों उहदे विच लिखिया होया सच खुद पढ़िए खुद मनिए ते उन्हों कमाईए ते उन्हों समाज विच बोलीए कि बाणी आ कहिंदी है फिर साडी गुरु नाल साडी गंढ कदों आ जो इहदे विच लिखिया उन्हों आम मनीए ते दूजिआं नूं दसीए। अज हो की रहा जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी सानूं दस रही है वेख लो परिवार जिहड़े इन्हां कर्मकांडां तों बचे ने उहो ही बचे होणगे जिहड़े बाणी दे उत्ते अमल करदे होणगे नहीं ते बच्चे दे जन्म तों लै के प्राणी दे चढ़ाई करन तक असी सहीते ही वह कर्मकांड करी जा रहे हैं जिन्हां कर्मकांडां तो सानू सतगुरु की बाणी रोकदी पई है।